हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निकल गए थे हॉस्टल से न्यू कैंपस जाने के लिए। न्यू कैंपस में मिस्टर विनय पाठक सर आने वाले थे। अभी हाल ही में उनकी न्यू फिल्म अब तो सब भगवान भरोसे रिलीज़ होने वाली है, जिसके प्रमोशन के लिए वो हमारे कैंपस में आने वाले थे। मिस्टर विनय पाठक सर की वेलकम के लिए हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ट्राइबल डांस प्रिपेयर किया था। वो जैसे ही हमारे कैंपस में एंटर किए, हमारे कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और हमारे सुपर सीनियर्स ने भी उनका वेलकम किया। सो लेट्स एंजॉय द डांस। इस तरीके से उनकी वेलकम हुई। इसके बाद हम सभी BJMC और BA इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स सेमिनार हॉल में बैठे हुए थे। वहाँ हमें प्रेस रिलीज करना था सर के साथ, तो सर हमारे सेमिनार हॉल में आ चुके थे। सभी ने क्लैप करके उनका वेलकम किया सेमिनार हॉल में। और यहाँ हमें प्रेस रिलीज करना था और मुझे 1-to-1 रिपोर्टिंग करना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया बिकॉज सर के पैर में इंजरी हो रखी थी और वो कंडीशन में नहीं थे कि खड़े हो सके। फिर उन्होंने अपने बारे में हमें बहुत कुछ बताया। I need to sit and indulge and talk about myself. It is the most boring thing. I assure you. And I don't think that you are deprived of who I am because you know how to run the internet vehicle, whatever you call it these days, Wikipedia or Google and IMDb, वो सब कुछ है। मैंने कितने साल पहले कितनी छींक मारी थी वो लोग भी गिन के लिख देते हैं, और कई बार तो छींक नहीं भी मारता हूँ उसका भी वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हमें बताया गया है कि यहाँ पे जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। कितने लोग हैं जर्नलिज्म? अरे कौन है इस तरफ? मुझे लगता है सब फिजिक्स वाले बैठे हैं। अरे आप तो हमारे बहुत ही खास हैं। हाँ, इधर साहित्य और इधर जर्नलिज्म, जिसका आजकल एक दूसरे से कोई नाता नहीं। कभी एक जमाना था जब साहित्य और पत्रकारिता एक दूसरे की शक्ल देखा करती थी रोज। अब वो जमाना नहीं है, लेकिन चूंकि मैं ऐसे मंच पे हूं जहां पे इतने यंग लोग हैं, युवा वर्ग है, मैं चाहूंगा कि वो रिश्ता फिर से कायम हो। मैं चाहूंगा कि जो साहित्य के विद्यार्थी हैं। इसके बाद हमने सर के साथ मिलकर उनकी अपकमिंग मूवी की ट्रेलर देखी। देवताओं को बिना चढ़ाए खाने से शहर में हर काम सरकार भरोसे होता है, गांव में सब काम भगवान भरोसे होता है। पढ़ाई लिखाई के चल लेना दिन भर गुड्डी गुड्डी गुड्डी। किसी को ये पता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है? आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर, धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। आप बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं कि अमरजीत का कहा? हाँ? राज्य
प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि यज्ञ क्या करते थे तो असुर उसमें विघ्न पैदा करते थे। हमारे अगले ही गाँव में सारे असुर रहते हैं। तुम इसके दिमाग में सब चीज भर लो। सब कुछ नहीं होता है, अगर होता भी है तो भीतर होता है।